बिजनेस कौन सी चीज है जो हमें कारोबार करने से रोकती है? क्या है, किस चीज का डर? घटाना पै जाए? नहीं पैंदा। अगे चलो, और किस चीज का डर? मैं आपसे बात करूंगा, आप क्या जवाब देंगे क्या नहीं देंगे, ये खौफ है जिसका ये खौफ उतर गया ठीक ना, वो हर शख्स से मिला एक बार। इज्जत का खौफ कि मेरी कोई यार मिट्टी से ना मिल जाए, इज्जत का, इज्जत जाने का डर, और किस चीज का डर? आलस की वजह से कह लो अच्छा, और इसके अलावा कौन सी चीज है जो कारोबार करने से रोकती है? कौन सी चीज है आपके अंदर? मतलब ये है कि सुकून नाल बैठ के खावांगे यार, इज्जत दी, सुकून दी, रोजी रोटी लगी, की रोल है नए झंझट च, नए सियापे च पैण दी, की लोड़ पई है एवं लीडर बनने का ख्वाब देखने दी? यही है ना, इसके अलावा किस चीज का डर? सब तो वड्डा रोग, की कहणगे लोग, इन तो भी जान छड़ाओ, कोई रोग नहीं, कोई डर नहीं। अगे चलो, अगर मैं एमफिल फिजिक्स करके कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी में मैं 2.5 साल रिसर्च ऑफिसर रहा, वो डेजिनेशन छोड़ के मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम स्कूल है और मल्टी मेरे बिजनेसेस हैं जो कि मैं ऑन दी रिकॉर्ड बता नहीं सकता, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी आज के दिन अगर आप मेरी टीम से पूछें कौन था इधर जो रात को मेरे साथ था, कितने बजे रात बैठे हम यहां से गए थे, क्या किया? अगर मैं कर सकता हूं, अपने हाथों से काम कर सकता हूं, रात 12-12 बजे तक कर सकता हूं, तो आप भी तो कर सकते हैं, क्या मसला है? सुबह कितने बजे आए ऑफिस में? मतलब जो ऑफिस टाइम है उससे 1 मिनट भी लेट नहीं, ठीक है, आप भी तो कर सकते हैं। तो बस पॉइंट ये है कि हकीकत में इज्जत आज के दौर में उसकी है जो पैसा कमाता है, रिश्ता उसका मजबूत है जो पैसे कमाता है, और पैसा आएगा अपने कारोबार से। छोटी सी एग्जाम्पल है, अगर गाड़ी लेनी है, 25 लाख की गाड़ी है, अगर हर महीने लाख लाख सेविंग करोगे 2.5 साल बाद जाके लोगे, और लाख सेविंग कैसे होगी? नौकरियों से भूल जाओ, वो 25 तारीख के बाद जेब खाली है। अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं छोटी सी, लोग आके कह रहे होते हैं इरफान भाई उम्र छोटी सी है, आप इतने लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी उम्र के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े कारोबारी आ रहे होते हैं। तो कल लोअर दीर से उधर का चेयरमैन आया हुआ था, उसे 2 दिन पहले हरबंसपुरा से ASI हाजर सर्विस पुलिस में वो आए हुए थे अपने भाई को लेके। लोग आते हैं, हाईकोर्ट के वकील तक आते हैं, एक लेबर मजदूर भी आता है। तो जो अमल बेगरज हो ना, उसकी जजाई कोई और है, बेगरज अमल हो उसकी जजा कोई और है। तो अगर आप अपना मिशन बड़ा कर लेंगे ना, तो यकीन करें सब डर खत्म हो जाएंगे। मिशन बड़ा क्या है? मिशन बड़ा मैंने आपको समझा दिया है, मिशन यही रखो कि मेरा तो काम, मैंने दुनिया में रिवॉर्ड लेना ही नहीं, क्या करना है, क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी, कब पानी का बुलबुला बना, कब खत्म हो गया, क्या पता है? कौन दुनिया किसको याद करती है? आपके सभी के दादे परदादे किधर है, ठीक है, तो नहीं पता हमारे अभी कब। लेकिन जो पौधा लगा के जा रहे हैं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरी 1000+ वीडियोज है, जो मेरे अफकार है, जो हजारों लोगों को कारोबारी बना चुका हूं, वो भूल जाएंगे? नहीं, नहीं भूलते वो। रात यही जब 12 बजे तक मैं काम कर रहा, सामने होटल वाला आ गया जो चाय बनाता है बाबा, आके बैठ गया। अरफान भाई तानू देखे पहले स्कूल, आप ही सिक्योरिटी गार्ड होंगे सी, आप ही सारा कुछ, इनके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते, फिर आपने एक सेंटर बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरी बिजनेस शुरू किया, अब ये भी दिनों में उठा दिए, ताड़े पीछे पता की चीज है कि तानू लोगों की दुआवा लग रही ने, कहना जेडे घर का दीवा बल पे ना वो तुहानू भुलदा नहीं है, फिर तुहानू फोन करे या ना करे, वह भी तो उनके बच्चे भी ना दुआ देंगे। तो दुआ क्या चीज है? दुआ जुबान से निकलने का नाम नहीं होता, दुआ दिल से निकलने का नाम है। बस जिसने खा लिया ना, आपकी वजह से रिज़्क लग गया, यही दुआ है उसकी, उसके बच्चों को नहीं पता कहां से है किधर से है, लेकिन वो दुआ है।
वो प्रैक्टिकली दुआ है जो उनके दिल से निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है।